फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी मिस्टेक है, जैसे कि आपका नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, या आपका फादर नेम हो, या आपका जेंडर हो, मतलब आपका वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी मिस्टेक है, तो आप कैसे मतलब उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो। तो न्यू डेट आ चुका है, तो इस डेट में अगर आप करेक्शन करेंगे तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है बहुत ही जल्दी मतलब वो करेक्शन हो जाएगा और वो अपडेट भी हो जाएगा। तो मैं आपको स्क्रीन पर एक नोटिस दिखा रहा हूँ, तो इसको आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो नोटिस है सभी स्टेट में मिल गया है, तो आपका स्टेट का इलेक्शन कमीशन का जो भी वेबसाइट है वेबसाइट में जाके देखिए, इस टाइप से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसमें जो आपका वोटर आईडी कार्ड यानी वोटर लिस्ट जो है वो पब्लिश होगा, और पब्लिश होने के बाद आपको करेक्शन करने का टाइम दिया जाता है। तो उस टाइम में अगर आप कुछ भी करेक्शन करेंगे तो वो फटाफट से हो जाता है और वो अपडेट भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो जब भी आप करेक्शन करें तो इस टाइम पे आपको करना है, ताकि आपको करेक्शन में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, तो इस नोटिफिकेशन का आप देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, तो आप देख सकते हो कि कितना डेट से लेकर आपको कितना डेट तक ये जो करेक्शन है आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इधर देखिए, मैं आपका आपको समझ में नहीं भी आ सकते हैं जो लैंग्वेज है, लेकिन जब आपका स्टेट का आप निकल लेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है जो न्यू वोटर लिस्ट पब्लिश होगा उसका डेट है 1 नवंबर। आपका 1 नवंबर में न्यू वोटर लिस्ट वो पब्लिश हो जाएगा, और उस वोटर लिस्ट में आपको देखना है कि उसमें क्या क्या मिस्टेक है। अगर आपका कुछ भी मिस्टेक है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। और करेक्शन का डेट कितना तारीख से कितना दिया गया है वो देख लीजिए। आपको 1 तारीख से 30 नवंबर यानी आपको 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये जो अप्लाई है आपको करना है या करेक्शन करना है। कुछ भी करेक्शन हो सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ भी करेक्शन हो सकता है, आप करेक्शन कर सकते हो और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो जो भी आप करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन करने के बाद फिर आपको 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर को आपका जो अपडेट सब कुछ हो जाएगा। जो भी करेक्शन करेंगे 20 दिसंबर को वो अपडेट हो जाएगा, और फिर से मतलब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा। कब होगा? 5 जनवरी। 5 जनवरी को आपका न्यू वोटर लिस्ट फिर से मतलब पब्लिश हो जाएगा, उसमें आपका करेक्ट डिटेल्स सब कुछ रहेगा। तो ये जो वीडियो फ्रेंड्स आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि अभी करेक्शन का टाइम आ चुका है, तो इस डेट में ही आपको करेक्शन कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, कल और भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको मतलब इस सीरीज की तरह मैं वन बाय वन वीडियो देते रहूंगा कि कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, कैसे नेम चेंज करना है, कैसे एड्रेस चेंज करना है, कैसे जेंडर चेंज करना है। तो आपको वन बाय वन वीडियो मिलते रहेगा। तो आज जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हाँ टाइम आ चुका है, आपको अभी करना है, और कल से आपको सेपरेटली मतलब वीडियो मिलते रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको जो भी वीडियो में आप अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।